हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कठपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जो कि आपके हर लॉ एंट्रेंस जुडिशरी हर जगह काम आने वाला सब्जेक्ट है। तो आज हम उसी को देखेंगे कि किस तरीके से पढ़ना होता है, और जो आपको दिखा भी होगा थंबनेल के ऊपर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट्स को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो डिटेल्स है ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको जो है याद करनी होती है, किस तरीके से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। आप आर यूलेट और यूलेट दोनों का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको पूरी फुल गाइडेंस चाहिए तो आप ये दोनों कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके जो है आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो देखो, बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने से पहले चीज़ें देखेंगे कि 1928 में क्या है कि ऑल पार्टीज़ की कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, कमेटी थी इन लखनऊ टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज नॉन एज नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, कमेटीज बननी स्टार्ट हो गई थी। मोस्ट ऑफ इंडिया वॉज अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल फ्रॉम 1857 टू 1947। ब्रिटिश इंडिया रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा इंडिया है 1857 से 1947 तक, जो उसके रूल के अकॉर्डिंग ही चला था। इंडिपेंडेंस थी जो हमें 1947 में मिली थी। तो अब हम देखेंगे इसका इवॉल्यूशन किस तरीके से हुआ था, किस तरीके से तो ब्रिटिश पार्टी आई थी, किस तरीके से जो था इंडिपेंडेंस जो एक्ट्स बने थे। तो देखो, हिस्टोरिकल इवॉल्यूशन देखेंगे कि कुछ एक्ट्स बने थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बना पहले। 1773 में जो फर्स्ट टाइम क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट रिस्टोर्टेड टू जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आ गई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी और जो गवर्नर थे बंगाल के वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उस टाइम में। और हम बात करें आगे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल वॉज क्रिएटेड विद 4 मेंबर। और जो गवर्नर जनरल की जो 4 मेंबर्स की थी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, और सुप्रीम कोर्ट भी एस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है, कलकत्ता में, जिसको हम अपेक्स कोर्ट इन 1774 बोल सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट बना। उसमें क्या हुआ था कि कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी आर सेपरेटेड। मतलब जो कमर्शियल फंक्शंस थे और पॉलिटिकल फंक्शंस थे वो सेपरेटेड कर दिए गए थे। कंपनी मींस क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैनेज कमर्शियल एक्टिविटीज़, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो पॉलिटिकल अफेयर्स देखते थे। फिर गवर्नर काउंसिल थे जो कि सेटअप कर दिया था मद्रास और बॉम्बे में। ठीक है, इसमें ये दोनों चीज़ें हुई थी। फिर बना चार्टर एक्ट, जिसमें क्या हुआ था कि दिस एक्ट एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड में, वो क्या हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। फिर आता है नेक्स्ट, जो कि चार्टर एक्ट 1833 है, जिसमें गवर्नर जनरल बंगाल के थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और जो लेजिस्लेटिव पावर है, बॉम्बे और मद्रास की प्रेजिडेंसी वो रिमूव हो गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद है चार्टर एक्ट 1853। इसमें क्या हुआ था कि जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वर सेपरेटेड। और फिर नेक्स्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858 बना था, जो कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था वो कंपनी के रूल्स को एंडेड कर दिया था। ब्रिटिश पोजीशन था जो कि इंडिया में, वो डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन के हो गया था। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नर जनरल था इसमें वाइस राय हो गए थे लॉर्ड कैनिंग। 1861 में क्या था कि जो वाइस राय थी वो काउंसिल्स थी, उसमें 3 इंडियन थे जो कि एंटर हो गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और जो पोर्टफोलियो सिस्टम वाज रिकॉग्नाइज हो गया था। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 देखे हम, तो उसमें देखो इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे वो इंट्रोड्यूस हो गए थे। फिर अगर नेक्स्ट देखें कि जो काउंसिल एक्ट है उसमें देखो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो एक्ट था, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोल सकते हैं हम इसको, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। और इसमें ये भी था कि जो फॉर फर्स्ट टाइम इंडियन वॉज मेड ए मेम्बर वाइस राय एग्जीक्यूटिव, जो कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। फिर उसके बाद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया, उसमें था कि सेंट्रल और प्रोविजनल सब्जेक्ट वर सेपरेटेड कर दिए गए थे इसमें।
फिर इसमें हुआ कि मिनिस्टर वर नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड वर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, फिर इसके बाद में आया इंडिया एक्ट 1935, जो कि इम्पोर्टेंट था। ऑल एंड ऑल इंडिया फेडरेशन वॉज प्रपोज विच वुड कंसिस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट। दिस नेवर मैटरलाइज। देखो इसमें क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इससे क्या था, एक मिशन टाइप हो गया था कि अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन तो बनना ही चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट से वो भी डिवाइडेड कर दिए गए थे सेंटर और प्रोविंस में। ठीक है, सेंटर थी जो कि चार्ज ऑफ द फेडरल लिस्ट, और प्रोविंस थी जो कि प्रोविंशियल लिस्ट, और जो कंकरेंट लिस्ट थी उस पर अपने जो लॉज थी और जो अपना वर्क थी वो उस पर क्रिएट करती थी। ठीक है, इसमें थी जो कि ब्रोमा और एंडन वर सेवर्ड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, और इसमें क्या था कि RBI बैंक भी बन गया था, एस्टेब्लिश हो गया था। फिर नेक्स्ट इंडिपेंडेंस एक्ट। अब यहाँ पे इंडिया को इंडिपेंडेंस करने के लिए एक्ट बना दिया गया था, इंडिया को इंडिपेंडेंट और सॉवरेन जो है डिक्लेयर कर दिया था। गवर्नर जो थे वाइस राय वो बन गए थे, इसमें नॉमिनी हो गए थे, और सेटअप रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर और प्रोविंसेस, असाइन बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। अब जो इसके बाद क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई थी। फिर बना कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को भी इसी के थ्रू लाया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 में बनाया गया था, जिसको इसमें तीन जो कैंडिडेट थे जिन्होंने लीड किया था, मतलब तीन कैबिनेट मेंबर्स थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर। देखो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो फर्स्ट 1934 में M.N. रॉय ने एक आइडिया दिया था। हाउएवर द एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्म 1946 में आई थी कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू, और जो इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें जो मुस्लिम लीग थी उसने कोई भी अपना रोल प्ले नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा, ये बहुत बार क्वेश्चन भी आता है, तो आपको पता होना चाहिए 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज। फिर देखो जो लास्ट सेशन हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, और कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि पास किया गया था 26 नवंबर 1949 को ही, और जो केम इनटू फोर्स हुआ था इंडिया पे जब अप्लाई हुआ था, मतलब वो रिपब्लिक डे वाले दिन हुआ था, मतलब 26 जनवरी 1950 को। इसके जो टेम्परेरी चेयरमैन थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जो परमानेंट चेयरमैन थे या फिर हम प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं जिनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये थे। तो ये इम्पोर्टेंट होती हैं ये चीज़ें, इनमें से क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके। ये प्रीएम्बल है जिसको हम हिंदी में उद्देशिका या प्रस्तावना भी बोलते हैं। इसमें जो भी हाईलाइट वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, इनका अपना एक मीनिंग है, और इसमें इन्हीं जो वर्ड्स को, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया किसको माना गया, सॉवरेन, सोशलिस्ट, इनका मीनिंग क्या होता है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्विटी, फर्टेनिटी, इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो आपको इनका मीनिंग लर्न करना होना चाहिए। ठीक है, इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है, केशवानंद भारती के जो केस में ये बताया गया कि प्रीएम्बल है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, केशवानंद भारती का जो केस है वो इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इस केशवानंद भारती के केस के जितने भी प्रिंसिपल्स लेट डाउन्स हैं, प्रीएम्बल को पार्ट माना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के बाद अभी 25 पार्ट्स और 470 समथिंग आर्टिकल्स हैं, जिसमें कॉडिफाइड ओनली 395 आर्टिकल्स हैं और 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल। ठीक है, और जो अभी तक जो है 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में। फिर पार्ट थर्ड है फंडामेंटल राइट, जिसको हम मूल अधिकार बोलते हैं, इसका आर्टिकल 12-35 तक है। तो इसमें जो मेन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 14-35 तक होते हैं। तो राइट टू इक्वलिटी जो कि आर्टिकल 14-18 डिफाइन करता है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19-22, राइट अगेंस्ट एक्सपोलिशंस मतलब जो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि कारखाने में बच्चों को काम करने से रोकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकता है, तो ये आर्टिकल 23-24 बताता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब अपने धर्म के अधिकारों की स्वतंत्रता होती है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता होती है, तो ये आर्टिकल 25-28 में डिफाइन कर रखा है। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो हमारी संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है वो आर्टिकल 29-30 तक है।
फिर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अगर आपके कोई भी फ्री जो फंडामेंटल राइट है उनका वॉयलेशन करता है तो हमें अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जो है रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो ये 5 टाइप्स की रिट्स होती हैं, तो जो कि आर्टिकल 32 to 35 तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है वो डिफ़ाइन करती हैं। तो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 12 to 35 सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में आज हमने देखा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट को। तो आप है जो इनको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी अगर आपके पास कोई बुक्स है तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो आगे भी ऐसी लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।